खुद अकेला हो, लड़की का महरम अकेले नहीं, लड़की को आप अकेले नहीं देख सकते, उसका महरम हो, जैसा कि उसके वालिद हो, उसका भाई हो, सब सके, भाई हो, चाचा हो, नाना हो, दादा हो, साथ बैठे, आप जाइए बैठिए, देखिए उसको। और उमूमन जो चीज़ें दिखती है ज़ाहिर, वो देखने की इजाज़त भी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, साहबी से जाकर देख ले, क्योंकि तूने अंसारिया, एक अंसारी औरत से निकाह तय किया, तू मुहाजिर है, और अंसारिया औरतों की आँख में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बाद में तू बोलेगा पसंद नहीं, उससे पहले देख लीजिए। इसका मतलब जो आज़ा खुले दिखते हैं ना, उसको देखने की इजाज़त है, इसलिए कहा आँख में होता है, देख ले, समझ रहे। और एक रिवायत फरमा, देख लिया करो, इससे मोहब्बत पैदा होती है। अभी जायज़ अमल है ये तो कोई करता नहीं,